जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखाया गया कि यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पर कुछ वैकेंसी आई है, जिसमें आप सभी को मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, पेमेंट कितना लगेगा, कौन कौन से इसमें लोग भाग ले सकते हैं, इसमें कितना पोस्ट अवेलेबल है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट अवेलेबल है, साथ में इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाले हैं, उन सभी का मैं पूरा जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, और मन में कहीं भी सवाल आएगा तो एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर लिखा है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना दिया गया है, जो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO का वैकेंसी जिसमें निकाला गया है। अंडर नेशनल हेल्थ मिशन यहाँ पर बताया गया है, जो यहाँ आपको दिखाया गया यहाँ पर जो पोस्ट है, पोस्ट के लिए क्या कम्युनिटी हेल्थ के लिए एंड CHO के लिए यहाँ पर जनरल में 0 पोस्ट है, जनरल URF 0 भी इसमें दिखाया गया है। EBC के लिए यानी BC1 जो होते हैं उसके लिए 1345 पोस्ट, EBCF यानी फीमेल के लिए 331 पोस्ट, BC के लिए यहाँ पर 702, BC फीमेल के लिए 259, जिसमें आपको टोटल पोस्ट यहाँ पर 4500 पोस्ट टोटल दिखाया गया है। यहाँ पर पोस्ट अपना रीड कर लीजिएगा कैटेगरी के अनुसार। अब रही बात यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो SSN क्वालिफिकेशन में आपको फर्स्ट में आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए। आप BSc अगर नर्सिंग किए हुए हैं विथ सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटरग्रेट सर्कुलेशन ऑफ सर्टिफिकेट इज कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपको 6 मंथ तक इस पर आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साथ में यहाँ पर दिखाया गया एकेडमिक ईयर 2020 में आपको पासिंग होना चाहिए, जो आपको दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटेरिगर और सर्कुलेशन सरकम ऑफ सर्टिफिकेट्स कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमी ईयर 2020 यहाँ पर ये बताई गई है। साथ में यहाँ पर नोट में आप पूरा रीड कर लीजिए क्या इसमें दिया गया है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर ऑनलाइन का, इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जो होने वाला है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जो सबमिटेड और इंडेड डेट जो होगा यानी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 तक शाम 6 बजे तक होगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, यानी पूरे 1 महीने का टाइम दिया गया है। कट ऑफ इसमें जो होने वाले हैं, कट ऑफ की बात करें तो द रिफरेंस कट ऑफ डेट कम्प्लीशन ऑफ एज ऑब्टेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट शैल बी 1/1/2024 यानी कि 1/1/2024 के अनुसार ये आपको कट ऑफ निकाला गया है, जो आपको एज के अनुसार निकाला जाएगा। साथ में यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर पेमेंट की बात किया गया है, जो अप्लीकेशन फी जो लगेगा अप्लीकेशन फी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर जैसे जनरल EWS और BC EBC के लिए जो होंगे मेल के लिए 500 रुपये और फीमेल के लिए 250 रुपये, SC ST जो होंगे बिहार का डोमिसाइल जो होंगे यानी बिहार के रहने वाले निवासी होंगे उनके लिए 250 रुपये और यहाँ पर भी 250 रुपये यानी कि मेल या फीमेल कोई भी हो, SC ST कैटेगरी जो होंगे बिहार से जो होंगे उनके लिए 250 रुपये दिखाई गई है। जो यहाँ पर फीमेल और PWD जो होंगे यानी कि विकलांग जो होंगे उनके लिए भी 250 रुपये मेल हो या फीमेल उनके लिए भी यहाँ पर सेम रखी गई है। बात कही जाती है यहाँ पर लिखा गया एज लिमिट का, एज इनके लिए कितना होना चाहिए, 1 जनवरी 2024 के अनुसार इनका एज पूरा होना चाहिए, जो जनरल में होंगे मेल के लिए 42 साल और फीमेल के लिए 45 साल और BC और EBC के लिए मेल या फीमेल दोनों हो उनके लिए 45 वर्ष और SC ST मेल या फीमेल दोनों हो 47 साल दिया गया है। जो मिनिमम एज जो शुड भी यहाँ पर 21 ईयर दिया गया है यानी कि 1/1/2024 के अनुसार आपका एज 21 साल पूरा होगा तब आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साथ में बताइए 10 ईयर रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसेबल ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसबिलिटी यानी कहने का मतलब जो अगर डिसबिलिटी के अनुसार आपके होंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 10 साल तक का छूट दिया जा सकता है। साथ में ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेशन टू डिपार्टमेंट कैंडिडेट प्रोवाइड विथ फुलफिल द मिनिमम एलिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि ये जो अगर कोई अगर डिपार्टमेंट से अगर कोई व्यक्ति रिटायर अगर होंगे अगर वो अगर ये फॉर्म को भरेंगे तो उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा डिटेल बताई गई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर यही अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मन में अगर और भी कहीं भी सवाल आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपको नोटिफिकेशन ये दिखाई गई है जो आपको 1 तारीख से स्टार्ट होने लगे, अगर इसको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका फुल फाइनल वीडियो बना दूँगा जिसे आप घर बैठे भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिलहाल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।